नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज हम बात करेंगे कॉल टू एक्शन समिट 2015 की, जानेंगे नासा के रोचक मिशन के बारे में। इसके अलावा चर्चा करेंगे शहरी वन संपदा और उनके प्रभावों की। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। दिल्ली में कॉल टू एक्शन समिट 2015 का आयोजन, माँ और बच्चों की बढ़ती मृत्यु दर पर हुई चर्चा। ओजोन की ज्यादा मात्रा फसलों के लिए है हानिकारक, वैज्ञानिकों ने किया शोध। मंगल पर जीवन को समझने के लिए नासा का नया मिशन, एक साल तक 6 शोधकर्ता रहेंगे गुंबद के अंदर। शहरी वन संपदा कैसे करती है जन जीवन की सुरक्षा, जानेंगे खोज खबर में। पिट्सबर्ग में तैयार की गई ड्रिंकेबल बुक, किताब के पन्नों से पानी को किया जाएगा साफ। और अब खबरें विस्तार से। भारत समेत पूरे विश्व में मां और बच्चों की लगातार बढ़ती मृत्यु दर चिंता का विषय बनी हुई है। इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन कॉल टू एक्शन समिट 2015 का आयोजन किया गया। सम्मेलन की मेजबानी भारत सरकार और इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई। इस सम्मेलन में 24 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पेश है ये रिपोर्ट। आजादी से लेकर अब तक हमारे देश ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। टेटनस मुक्त होने से लेकर मिशन इंद्रधनुष को शुरू करने तक हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में लगातार कई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। क्या वजह है कि इतनी तरक्की के बावजूद भी हर साल तकरीबन 50,000 गर्भवती महिलाओं और 13,00,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। इस दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए जच्चा बच्चा मृत्यु दर को कम किया जाना बहुत जरूरी है। इस संबंध में राजधानी दिल्ली में 27 और 28 अगस्त को 2 दिवसीय कॉल टू एक्शन समिट 2015 एंडिंग प्रिवेंटेबल चाइल्ड एंड मटर्नल डेथ्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत सहित 24 देशों ने हिस्सा लिया। इस विश्व स्तरीय सम्मेलन में गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के उपायों पर चर्चा की गई। सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार और इथियोपियन स्वास्थ्य मंत्रालय सहित यूनिसेफ, WHO, टाटा ट्रस्ट और बिल व मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किया गया था। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के बीच नई साझेदारियों और प्रणालियों को विकसित कर नए जीवन रक्षक उपचार को प्रोत्साहित करना भी रहा। कॉल टू एक्शन समिट 2015 में कॉरपोरेट भागीदारी, स्वास्थ्य वित्त पोषण, नवाचारों, सामाजिक दायित्वों और पानी, सफाई व पोषण के क्षेत्रों पर भी विचार विमर्श किया गया। वी नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज अ सिस्टम वेयर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज रिसीव यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। वी मस्ट एक्सपेरिमेंट एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। इंडिया स्टैंड्स रेडी टू बूस्ट इट्स कमिटमेंट एंड पार्टनर with other countries and move forward on our promises to end maternal and child death. राजधानी दिल्ली में हुआ ये सम्मेलन न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान आयोजित होने वाले यूनाइटेड नेशन समिट फॉर द अडॉप्शन ऑफ पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा का प्रारंभिक सम्मेलन रहा। ओजोन गैस पृथ्वी के सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, लेकिन इसकी ज्यादा मात्रा फसलों के लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न द्वारा भारत में किए गए एक प्रयोग में ये बात सामने आई है। ये प्रयोग गंगा के मैदानी क्षेत्रों में चावल और सरसों की फसलों पर किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ओजोन वो गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। लेकिन अगर पृथ्वी के वातावरण में ओजोन का स्तर बढ़ जाए तो ये पेड़ पौधों के लिए खतरनाक भी बन सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि वातावरण में ओजोन का बढ़ता स्तर फसलों की उपज पर खतरनाक प्रभाव डालता है।
वैज्ञानिकों ने ये परिणाम गंगा के मैदानी इलाकों में किए गए प्रयोगों के बाद दिए हैं। ये प्रयोग गंगा के मैदानी क्षेत्रों में उगाई गई चावल और सरसों की फसल पर किया गया। इस प्रयोग के जरिए इन फसलों के विकास, इनके क्रिया विज्ञान, जैव रसायन और उनकी किस्मों पर ओजोन के पड़ रहे प्रभावों का परीक्षण किया गया। शोध के दौरान एथिलीन ड्यूरिया को एक रासायनिक संरक्षक के तौर पर प्रयोग किया गया। इस प्रयोग के जरिए ओजोन द्वारा पहुंचाए गए नुकसान के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश की गई। शोध में पाया गया कि सरसों और चावल की फसलों ने वातावरण में मौजूद ओजोन के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है, परिणाम स्वरूप इनकी उपज में कमी दर्ज की गई। ये बात भी सामने आई कि चावल की 18 में से सिर्फ 7 किस्में ऐसी हैं जो ओजोन के उच्च प्रभाव को सहन करते हुए ज्यादा पैदावार दे सकती हैं। अध्ययन से साफ हो गया कि अगर हमें देश के खाद्य सुरक्षा को मजबूती प्रदान करनी है तो ऐसी फसलों का चयन करना होगा जो ओजोन के प्रति संवेदनशील रहते हुए भी ज्यादा पैदावार दे सके। ओजोन के प्रति संवेदनशीलता दिखाने वाली फसलों को अपनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गंगा के मैदानी क्षेत्र खाद्य आपूर्ति के मुख्य स्रोत हैं और यहाँ वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा पाया जाता है। शोध बताता है कि ओजोन के प्रति संवेदनशील रहने वाली फसलें कृषि की अच्छी पैदावार दे सकती हैं। इसके साथ ही ये भी पता चला है कि कैसे एक रासायनिक संरक्षक एथिलीन ड्यूरिया पौधों को एंटीऑक्सीडेटिव रक्षा प्रणाली के जरिए ओजोन के प्रभाव को कम कर फसलों की सुरक्षा करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न के इस शोध को एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर, इकोसिस्टम्स एंड एनवायरमेंट एंड साइंस ऑफ द टोटल एनवायरमेंट में प्रकाशित किया गया है। मंगल ग्रह पर मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए नासा की ओर से एक आइसोलेशन मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत हवाई में एक गुंबद तैयार किया गया है जिसमें 6 शोधकर्ताओं को 1 साल तक बंद किया गया है। इस 1 साल के दौरान शोधकर्ताओं का व्यवहार कैसा रहता है इसका परीक्षण किया जाएगा। पेश है ये रिपोर्ट। पृथ्वी के बाद अगर सौरमंडल के किसी ग्रह पर जीवन की सबसे अधिक संभावनाएं हैं तो वो मंगल पर हैं। यही कारण है कि ये लाल ग्रह इंसानी दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है। लाल ग्रह पर मानव व्यवहार कैसा होगा ये जानने के लिए नासा की ओर से 6 शोधकर्ताओं को मंगल जैसी परिस्थितियों में रखकर परीक्षण किया जा रहा है। इस परीक्षण को आइसोलेशन मिशन का नाम दिया गया है। इस मिशन के लिए हवाई में एक खास डोम का निर्माण किया गया है। 36 फीट दायरे और 20 फीट ऊंचाई वाला ये डोम मोनालोआ की एक बंजर उत्तरी ढलान पर स्थित है। इस इलाके में नाम मात्र के पेड़ पौधे हैं और जानवर एक भी नहीं है। नासा की इस टीम में एक फ्रेंच एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, एक जर्मन भौतिक शास्त्री और 4 अमेरिकी पायलट, आर्किटेक्ट, पत्रकार और एक मृदा वैज्ञानिक शामिल हैं। दल के सदस्यों ने 28 अगस्त दोपहर 3 बजे से खुद को 1 साल के समय के लिए इस डोम में बंद कर लिया है। इस प्रयोग के दौरान वे मंगल ग्रह पर रहने की मानवीय क्षमताओं को जांचेंगे। इस समय के दौरान उनका बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होगा। पाउडर्ड चीज और डिब्बा बंद टूना मछली के सहारे वे अपना गुजर बसर करेंगे। डोम के अंदर उनके अपने छोटे छोटे कमरे हैं जिसमें सोने की जगह के अलावा उनका डेस्क शामिल है। इतना ही नहीं, वे इंटरनेट का भी सीमित उपयोग करेंगे। अगर उन्हें कभी डोम से बाहर आना भी होगा तो वो स्पेस सूट पहनकर ही आएंगे। माना जा रहा है कि नासा का ये शोध उसे मंगल ग्रह में होने वाली भावी यात्राओं की तैयारी में मदद करेगा। नासा द्वारा किया जा रहा ये कोई पहला आइसोलेशन मिशन नहीं है। इससे पहले भी नासा 8 और 4 महीने के आइसोलेशन मिशन को अंजाम दे चुका है। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए ज्ञान विज्ञान।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और चलिए अब नजर डालते हैं विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश विदेश में चल रही गतिविधियों पर साइंस एक्सप्रेस में। जाने माने अणुजीव वैज्ञानिक और CSIR चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी के पूर्व निदेशक डॉक्टर गिरीश साहनी ने 24 अगस्त को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक के तौर पर पदभार संभाला। बैंगलोर की भारतीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और द एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के फेलो रहे डॉक्टर साहनी को देश के प्रथम इंडिजिनस क्लॉट ब्लास्टर ड्रग प्राकृतिक स्ट्रेप्टोकाइनेस और पुनः संयोजक स्ट्रेप्टोकाइनेस की उत्पादक तकनीक विकसित करने के लिए जाना जाता है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में द नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस ने 27 अगस्त को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सचिव प्रोफेसर के विजय राघवन के व्याख्यान का आयोजन किया। NCCS ऑडिटोरियम में आयोजित इस व्याख्यान को पास्ट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर ब्राइट, बायोलॉजी एंड सोसाइटी इन द 21st सेंचुरी का नाम दिया गया। डंडी और एडिनबरा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक रोचक अध्ययन किया है। इस अध्ययन में ना पिघलने वाली आइसक्रीम का सही फॉर्मूला तैयार किया गया है। आइसक्रीम की रेसिपी BSIA नामक एक प्राकृतिक प्रोटीन की खोज पर आधारित है। ये प्राकृतिक प्रोटीन आइसक्रीम में मौजूद हवा, फैट और पानी को एक साथ जोड़ता है और इसे पिघलने नहीं देता। ये प्रोटीन ना सिर्फ आइसक्रीम को गर्म तापमान से बचाता है बल्कि इसमें बर्फ के क्रिस्टल बनने से भी रोकता है, जिससे आइसक्रीम की क्वालिटी अच्छी रहती है। वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित इस आइसक्रीम में कैलोरीज और सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी काफी कम है। अगले 3 सालों में इस ना पिघलने वाली आइसक्रीम को बाजार में उतार दिया जाएगा। नासा की लॉन्ग टर्म सैटेलाइट इमेजिंग स्टडी में शामिल शोधकर्ताओं के एक पैनल ने चौंका देने वाली खोज में पाया कि जलवायु परिवर्तन के साथ समुद्री स्तर तेजी से बढ़ रहे हैं। 1992 से लेकर अब तक पानी का तापमान बढ़ने और बर्फ के पिघलने से समुद्रों के स्तर में तकरीबन 8 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों ने ये परिणाम पिछले 23 सालों से सैटेलाइट ऑल्टीमीटर्स के जुटाए गए डेटा और छवियों को परखने के बाद दिए हैं। अध्ययन बताता है कि समुद्री स्तर में हो रही ये वृद्धि एक समान नहीं है। कुछ जगहों पर समुद्री स्तर में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है तो कुछ में कम। ये अध्ययन जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों पर रोशनी डालता है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर द्वारा किए गए एक ताजा शोध में पाया गया कि देश की 18% महिलाएं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम से पीड़ित हैं। इनमें अधिकतर महिलाएं पूर्वी क्षेत्रों की हैं। ये अखिल भारतीय अध्ययन 18 महीने की अवधि में टेस्टोस्टेरोन के 27,411 नमूनों पर आधारित है। शोध से पता चला है कि पूर्वी भारत में 25.88% महिलाएं इस खतरनाक PCO से प्रभावित हैं, जबकि उत्तर भारत में 18.62% महिलाएं। पता चला है कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मातृत्व के काबिल 15 साल की युवतियों से लेकर 30 साल की महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है। केरल का पलक्कड़ जिला देश का पहला HIV एड्स साक्षर जिला बन गया है। ये घोषणा प्रदेश में ज्योतिर्गमय स्कीम के शुरू होने के 9 महीने बाद की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य जिले को HIV एड्स साक्षर बनाना था। ज्योतिर्गमय स्कीम को अप्रैल 2015 के लिए जनवरी से जिला पंचायत और एक स्वैच्छिक संगठन कैस हैप्पी के तहत लागू किया गया था। इस कार्यक्रम में 91 ग्राम पंचायतों और 4 नगर पालिकाओं को शामिल किया गया था। इस स्कीम का मकसद एड्स के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने, भेदभाव को खत्म करने और एड्स पीड़ितों को जीवन की मुख्य धारा से जोड़कर उनका पुनर्वास सुनिश्चित बनाना था। समय के साथ बढ़ते शहरीकरण ने पेड़ों की संख्या में भारी कमी ला दी है। हालत ये है कि जंगल के जंगल कट चुके हैं और उनकी जगह ऊंची इमारतों ने ले ली है,
लेकिन शहरी जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शहरी वन संपदा का संरक्षण बेहद जरूरी है। ये वन न सिर्फ हमें भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि हमें प्रदूषण से भी बचाते हैं। इसके साथ ही ये शहरी वन वातावरण का संतुलन बनाए रखने में भी अहम रोल निभाते हैं। आज के अपने सेगमेंट खोज खबर में हम चर्चा करेंगे शहरी वन संपदा और उनके प्रभावों की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बदलाव प्रकृति का नियम है। विकासशील से विकसित होने की आपाधापी में हम लगातार दौड़ते जा रहे हैं। पिछले तकरीबन 250 सालों से हम इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने हुए हैं। शहरीकरण की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। तरक्की की इस दौड़ में इंसान ये भूल गया है कि अगर वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके दुष्प्रभावों का सामना भी उसे ही करना पड़ेगा। शहरों में बढ़ता प्रदूषण और मृदा अपरदन इसी का नतीजा है। मांग और आपूर्ति के इस दौर में प्राकृतिक संसाधन लगातार घटते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार साल 2025 तक दुनिया की 60% आबादी शहरों में बस चुकी होगी। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम और आप ईंट और सीमेंट के जंगलों में कैद होकर रह जाएंगे। मौजूदा हालात से निपटने का सबसे उत्तम और आसान तरीका है शहरी वन संपदा। ये ऐसे वन हैं जो शहरी लोगों द्वारा शहरी लोगों के लिए विकसित किए जाते हैं। शहरों के बद से बदतर होते हालातों के बीच ये शहरी वन अंधेरे में उजाले की किरण की तरह हैं। शहरी वन से हमारा अभिप्राय घनी आबादी वाले इलाकों के इर्द गिर्द मौजूद वनस्पतियों से है। शहरों के आकार में लगातार हो रहे विस्तार के कारण कृषि योग्य भूमि कहीं है ही नहीं। सड़क किनारे और रिहायशी इलाकों में लगे पेड़ पौधों, ग्रीन बेल्ट के इलाकों व चौराहों पर लगे वृक्षों को मिलाकर शहरी वनों की संज्ञा दी गई है। इतना ही नहीं, निजी और सरकारी भूमि व धार्मिक स्थानों पर लगे पेड़ पौधे भी शहरी वन संपदा का हिस्सा हैं। ये वन शहरी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राजधानी दिल्ली दुनिया के उन महानगरों में से एक है जिसके पास अपना वन आवरण है। दिल्ली का रिज एरिया और इसके आसपास का जंगल दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली और शहर की प्राचीनतम प्राकृतिक विरासत है। राजधानी के 6% भूभाग पर रिज का कब्जा है। ये पक्षियों और वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। इस इलाके को दिल्ली का ग्रीन लंग भी कहा जाता है। इसमें लगी वनस्पति प्रदूषण की रोकथाम के साथ साथ भू जल आपूर्ति और मृदा अपरदन सहित पर्यावरण नियंत्रण में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। शहरों में किया गया वृक्षारोपण इंफ्रारेड रेडिएशन को नियंत्रित कर धरती की परतों को शुष्क होने से बचाता है। वनों का पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण में मौजूद प्रदूषण को कम करता है। शहरों के क्रियात्मक आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। शहरी वन संपदा ध्वनि प्रदूषण को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेड़ों की पत्तियां, कोपले और शाखाएं ध्वनि प्रदूषण को कम करती हैं। वन दूषित पानी को साफ करके शहरी जल आपूर्ति में सहायता करते हैं। बाढ़ की स्थिति में धरती पर उपजी वनस्पति जल प्रवाह की गति को धीमा कर पानी को साफ करती है, साथ ही मिट्टी के कटाव को भी कम करती है। महानगरों में लगे पेड़ पौधे शहर को सुंदर बनाते हैं। शहरी संरक्षित वन मनोरंजन और स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। प्रकृति की गोद में आकर
लोग भले ही कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं और कुदरत का आनंद लेते हैं। महानगरीय प्रणालियों को सही तरीके से बचाने के लिए शहर के सामाजिक और आर्थिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का उचित प्रबंधन जरूरी है। शहरी वनों को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। इन्हें विकसित करने और बचाने के लिए जरूरी है कि हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत बनाए गए कानून और नियमों का पालन करें। शहरी वन संपदा के रखरखाव के साथ साथ बायोडायवर्सिटी पर पड़ने वाले इसके प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन शहरी वनों को सरकारी और सहकारी तौर पर जन कल्याण के लिए विकसित किया जाता है। इस कार्य में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड डेवलपमेंट में प्रकाशित पर्यावरण विदों के दिए कुछ सुझाव मददगार साबित हो सकते हैं। शहरी वन संपदा के नेटवर्क को हर पहलू से मजबूती प्रदान करना, मौजूदा वन संपदा को संरक्षित कर उसे बहु उपयोगी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विकसित करना, शहरी घरेलू बगीचों और सार्वजनिक पार्कों के बीच तालमेल स्थापित करना, शहरी वन योजना को नियमित रूप से महानगरीय मास्टर प्लान और शहरी विकास परियोजनाओं का हिस्सा बनाना, 3-स्तरीय वनस्पति रोपण के माध्यम से प्रजातीय और स्थानिक विविधताओं में तालमेल बैठाना, 3-स्तरीय वनस्पति रोपण में 30% जड़ी बूटियां, 20% झाड़ियां और 10% पेड़ शामिल होने चाहिए। अगर शहरों का निर्माण इन वृक्षारोपण कार्यक्रमों के मुताबिक किया जाए तो शहरी वन संपदा कई पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकती है। यूं तो किताबें ज्ञान का भंडार होती हैं, लेकिन क्या हो अगर यही किताबें पानी को साफ करने का काम भी करने लगे? जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन ऐसी तकनीक विकसित की जा चुकी है। अपने सेगमेंट टेक्नोलॉजी वी कैन यूज में हम आपको बताएंगे कि ऐसी किताब के बारे में जिसके पन्नों से पानी को साफ कर पानी पीने योग्य बनाया जा सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। पीने का साफ पानी एक वैश्विक समस्या है। दूषित पानी के कारण लाखों जिंदगियां काल का ग्रास बन जाती हैं। हैजा से लेकर हेपेटाइटिस तक दूषित पानी ही ज्यादातर बीमारियों का कारण है। थेरेसा डेंकोविच द्वारा तैयार की गई ड्रिंकेबल बुक लाखों लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाएगी। मजे की बात यह है कि इसके लिए किताब को पढ़ना भी नहीं होगा। इस किताब के पन्ने को फाड़कर उसे पानी छानने से ही काम बन जाएगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि इस किताब के एक पन्ने को फाड़ें, उसे फोल्डर में रखें और उसके फिल्टर पर दूषित पानी डालें। आपको मिलेगा शुद्ध पानी। इस किताब के पन्नों पर सिल्वर और कॉपर यानी चांदी और तांबे के नैनो कण लगे होते हैं। प्रयोगों में देखा गया है कि ड्रिंकेबल बुक के पन्नों से छानने पर पानी में मौजूद जीवाणु 99% तक नष्ट हो जाते हैं। So what the book has is silver nanoparticles, which is highly toxic to bacteria. They could eliminate several orders of magnitude of bacteria and thus provide clean drinking water. The text in here says like the water in your village may contain deadly diseases, but each page of this book is a paper filter that will make it safe to drink. And it's written in English up here, and down here this one is in Swahili. So it's meant to be educational, and I really liked that component of the idea. एक किताब के पेज तकरीबन 100 लीटर पानी को शुद्ध करते हैं। कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय की थेरेसा डांकोविच की देन ड्रिंकेबल बुक को अमेरिकन रसायन संगठन की राष्ट्रीय बैठक में पेश किया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि ये नवीनतम तकनीक लाखों लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन विज्ञान और तकनीक की ताज़ा हलचल से आपको रूबरू करवाने के लिए अगले हफ्ते होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।